खरगोन शहर के देवी अहिल्या शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक एक में प्रथम जिला न्यायाधीश जी सी मिश्रा खरगोन की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय जी सी मिश्रा द्वारा छात्र छात्राओं को बताया गया कि छात्रों को विद्यार्थी जीवन से ही कानून के सामान्य प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। छात्रों को बाल न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, मोटर दुर्घटना अधिनियम के सामान्य प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्हें बताया गया कि जब तक वे 18 वर्ष पूर्ण न हो जाए व उनका लाइसेंस न बन जाए तब तक दो पहिया वाहन चलाने से बचे। छात्राओं को गुड टच बैड टच के बारे में बताते हुए आग्रह किया कि प्रत्येक छात्रा को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए ताकि संकट की स्थिति में वह अपनी रक्षा स्वयं कर सके व साथ ही कानून की मदद ले सके। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। न्यायालय में तहसील विधिक सेवा समिति भी होती है जिसके अंतर्गत हमारा लक्ष्य होता है कि हम स्कूलों में बच्चों को छोटे छोटे विधिक प्रावधानों की जानकारी दें। उसी योजना के अंतर्गत हम आज यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय में उपस्थित हुए हैं और हमारे सम्मानित प्राचार्य महोदय के साथ इनके सहयोग से उत्कृष्ट विद्यालय के तत्वावधान में आज हमने बच्चों को कानूनी प्रावधानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। जैसे बच्चे बिना लाइसेंस के जो है वाहन चलाने से बचें, किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने से बचें, उनके साथ किसी तरह की आपराधिक गतिविधि होती है तो उसकी पहचान करें और उसकी सूचना अपने अभिभावकों को, शिक्षक को या संस्थाओं को दें। विधिक सेवा प्राधिकरण को भी सूचना दी जा सकती है। बच्चियों के मामले में जो घटना आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, हमने उनको बच्चियों को इस बारे में जागरूक किया है कि वो गुड टच बैड टच की पहचान करें और कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई आपराधिक प्रयास कर रहा है तो उसके लिए हमने उनको आज हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए हैं जिस पर वो उसकी जानकारी दे सकती हैं ताकि बच्चों को ऐसे आपराधिक हमलों से बचाया जा सके। साथ ही हमने उनको आपराधिक गतिविधियों में आगे बढ़ने से रोका है, उनके अधिकारों को लेकर के हमने जागरूक किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।